हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीएजी टेबल्स। आज हम बना रहे हैं बिना प्याज और बिना लहसुन के पनीर, और काफ़ी शानदार रेसिपी लेके आए हैं आपके साथ, क्योंकि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही है तो आजकल सब लोग बिना प्याज और बिना लहसुन के खा रहे होंगे खाना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए एक नई रेसिपी लाई जाए, बिना प्याज और बिना लहसुन की रेसिपी, जो कि है पनीर। तो हमने सबसे पहले उसके लिए काट ली है 4 दाने छोटे छोटे टमाटर के, और थोड़ा सा दो छोटे छोटे नॉर्मल हमने शिमला मिर्च, और आप देख सकते हो थाली में हमने रख रखे हैं 4 छोटे छोटे हमने अदरक के पीस, और हमने टेस्टी के हिसाब से हरी मिर्ची भी काट ली है। आपको क्या करना है हम बताते हैं, कैसे बिना प्याज के और बिना लहसुन के आप पनीर बना सकते हैं, वो भी एकदम बढ़िया और टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं आपके साथ। तो चलते हैं हम बिना प्याज और बिना लहसुन के चीज़ बनाने के लिए, जो है पनीर के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने ले लिया मिक्सी का जार, जिसमें हम डालेंगे जो टमाटर हमने काटे थे, इनको हम एक बार मिक्सी के जार में डालेंगे। अब हमने पूरे जो टमाटर हैं वो मिक्सी जार पे डाल दिए हैं। उसके बाद जो हमने शिमला मिर्च काटी थी, हम उसको भी इस पे मिक्सी जार पे डालेंगे। मिक्सी जार पे हमने जो शिमला मिर्ची डालने के बाद, ये मैंने ले लिए थोड़े से काजू। काजू जो था मैंने करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इनको पानी में जो है भिगा लिया था, जिससे जो काजू हमारे हल्के से फूल चुके हैं और इससे बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे पनीर में। अब हम इस काजू को भी इस मिक्सी जार पे डाल लेंगे। काजू डालने के बाद मैंने उपयोग कर रहा हूँ हरी मिर्ची का टेस्टी के हिसाब से, और आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और टेस्टी के हिसाब से मैं डालना उसमें अदरक। अब हम इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, आपको दिखाते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी का उपयोग करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में पानी होता है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगा के मिक्सी जार का उसको पीस लेंगे एक बार बारीक, आपको पीसने के बाद दिखाते हैं। अब हमने जो है जो हमने शिमला मिर्च, टमाटर, काजू, हरी मिर्च और जो अदरक वगैरह सब था, उसका पेस्ट बना लिया, देख सकते हैं हम। ना हमने ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, एकदम मीडियम पेस्ट बना लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको हम बताते हैं। अब हमने रख ली है अपनी कढ़ाई, अब हम इस पर डालेंगे सरसों का प्योर तेल, कुतुब मीनार का। मैं तो इसी का इस्तेमाल करता हूँ खाना बनाने के लिए, आप भी जहाँ तक हो सके इसी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है और जो ये तेल है ये नुकसानदायक भी नहीं है। अब मैंने जो है थोड़ा सा एक प्लेट पे जो है खड़ा मसाला का इस्तेमाल कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने जीरा, काली मिर्च, इलायची, और मैंने एक ये फूल वाली पंखुड़ी होती है उसका, और लंबी दालचीनी और एक कड़ी पत्ता वगैरह सब ले लिया इसमें, साबुत जीरा। अब हम जैसे तेल गर्म होगा इसको डालेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। अब हल्का सा तेल जो है नॉर्मल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाए थे प्लेट में उसका इस्तेमाल करूँगा। इन खड़े मसालों को हमें तेल के साथ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे, जो हमारा जो तेल के साथ है इसका बढ़िया करके मिक्सर हो जाएगा, तो जो हमारा पनीर है उसका अच्छा टेस्ट आएगा। आपको ज़्यादा जलाना भी नहीं है और ज़्यादा कम गोल्डन ब्राउन भी नहीं होने देना है, आपको एकदम नॉर्मल जैसे कलर आ जाएगा, मैं आपको बताऊँगा। ये देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें गोल्डन ब्राउन टाइप में कलर आ रहा है, जो कि है जो खड़ा मसाला है वो तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। खड़ा मसाला हल्का सा मिल चुका है, इसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई थी, जो हमने मिक्सी जार पे पीसा था, हम इसको इस पे डाल देंगे। आप थोड़ा सा दूर रह के इसको डालिएगा, क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल करा था, तेल और जब पानी एक साथ जाता है तो चटकता है, इसलिए थोड़ा सा अपनी आँख और मुँह को बचा के इसको बनाइएगा, हल्का सा दूर डाल के इसको फिर अच्छे से मिक्स करिएगा पनीर की ग्रेवी को। हम इसमें नॉर्मल से मसालों का उपयोग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर का। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जो है जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और 1/2 चम्मच हम इस पर डालेंगे हल्दी पाउडर को, और थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है शाही पनीर मसाला का उपयोग कर रहे हैं, आप कोई भी मसाले का उपयोग कर सकते हो पनीर मसाले का। उसके बाद हम जो मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें लाल मिर्च क्यों नहीं डाली, मैं अभी डालने वाला हूँ, क्योंकि हम इस पर कलर वाली मिर्ची डालेंगे, हल्का सा कश्मीरी मिर्च जो होती है
लाल मिर्ची में थोड़ा इसको स्पाइसी कम बना रहा, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची का उपयोग भी कर सकते हो। कश्मीरी मिर्च में जो है हल्की सी मिर्ची होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब मैं उसको डालूंगा हल्का सा कलर आने के लिए। जब हमारी जो ग्रेवी है थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं आप उमाल आ जाएगा, तो हम इसमें जो कश्मीरी मिर्ची का उपयोग है उसको करेंगे, जिससे जो हमारा पनीर में कलर है वो और भी निखर के आएगा। देखिए मैंने जो है 250 ग्राम पनीर जो है उसको क्यूब शेप में काट लिया, आप देख सकते हैं प्लेट में। उसके बाद मैं पनीर को कढ़ाई पे डाल लूँगा और इसको बढ़िया करके पनीर को जो है ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, एकदम बढ़िया स्टाइल पे बनाया हमने। पनीर डाला मैंने, उसके 2 मिनट बाद अब मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा अब देसी जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल 1 चम्मच कर रहा हूँ मैं, आप चाहे तो 2-3 चम्मच कर सकते हैं, मैं हल्का टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पनीर को जो हमारी देसी मलाई है उसके साथ। अब मैं इसमें तो थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगा ऊपर से, कस्तूरी मेथी के ऊपर से इस पर थोड़ा सा गरम मसाले का उपयोग करूँगा। खाली इसको हमें छिड़कना है ऊपर से, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको हमें 2-3 मिनट बाद हिलाएंगे हम जो गरम मसाला और पनीर है हमारा। गरम मसाले का टेस्ट होता है ऊपर ही से ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा, देखिए इतनी अच्छी से हमने आपको गरम मसाला कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बताया। अब हमारे 2 मिनट होने के बाद हम इस 2 मिनट होने के बाद मैं जो है पनीर और सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगा गरम मसाले को। देखिए जैसा एकदम होटल में बनता है प्याज और लहसुन वाला, सेम वैसा ही कलर लेके आ गए हम बिना प्याज बिना लहसुन के। देखिए इतनी अच्छी रेसिपी लेके आए हैं आपके साथ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, इसको ऊपर से डाल दूंगा मैं पनीर पे, जिससे हमारा और भी अच्छा टेस्ट आए। अभी हमारा पनीर जो एकदम रेडी है वो बंद कर दूंगा और ये हमारा पनीर एकदम रेडी हो चुका है। देखिए अब हमने पनीर जो है बिना प्याज और बिना लहसुन की उसकी बढ़िया करके प्लेटिंग कर दी है, आप देख सकते हो एकदम होटल वाली स्टाइल पे हमने बनाया है। देखिए ये एक पीस लिया हमने पनीर का, काफ़ी टेस्टी लग रहा है मेरे को तो। मैंने तो हल्का सा चख भी लिया एक रोटी के साथ। अब मैं इसको बढ़िया करके डिनर में बनाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो अपनी फैमिली के साथ इसको ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।